नहीं ऑफिसर, मर्डर हुआ है। मर्डर? जी। डॉक्टर रंजीत की मौत तो हार्ट अटैक से हुई है ना? हार्ट अटैक तो हुआ है लेकिन अपने आप नहीं हुआ है। क्या मतलब? आइए मैं आपको दिखाता हूँ, आइए। ये देखिए सर, ये है रंजीत के दिल का स्कैन जो उसकी सर्जरी के पहले किया गया था। ये दो आर्टरीज, ये पहली वाली लगभग 50% ब्लॉक्ड है जबकि दूसरी वाली 80% ब्लॉक्ड है। और ये दूसरा स्कैन देखिए सर, जो सर्जरी के तुरंत बाद ही लिया गया था, जिसमें कोई ब्लॉकेज बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ऑपरेशन सफल था। लेकिन फिर अचानक डॉक्टर रंजीत को दिल का दौरा पड़ा और हम उन्हें बिल्कुल बचा ना सके। तो इसीलिए आप कह रहे हैं कि रंजीत को हार्ट अटैक नहीं बल्कि किसी ने मारा है? सर मुझे पूरा यकीन है कि डॉक्टर रंजीत की हत्या ही हुई। अब चौंकाने वाली बात यह है कि यहां पे एक ब्लॉकेज है जो सर्जरी से पहले किए हुए स्कैन में था ही नहीं, और इसी की वजह से हार्टवी में 100% ब्लॉकेज हुआ, जिसकी वजह से फाइनली डॉक्टर रंजीत की मौत हो गई। हाँ मगर डॉक्टर साहब, कभी कभी सर्जरी के वक्त भी तो खून का थक्का आ जाता है, उसकी वजह से हार्ट अटैक आया होगा। होता है सर, लेकिन इतना बड़ा ब्लॉकेज यूं मिनटों में नहीं बनता, इसके लिए सालों लगते हैं सर। सुबह के 7 बजे जब हमने ये पहला स्कैन निकाला था तो इसमें कोई ब्लॉकेज बिल्कुल नहीं था सर। महज 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर इतना बड़ा ब्लॉकेज कैसे बन सकता है सर, बताइए। डॉक्टर साहब, क्या कोई ऐसे किसी की आर्टरी ब्लॉक कर सकता है? किसी ने कैसे ऐसा किया होगा ये तो मुझे भी नहीं पता। वो हम पता लगा लेंगे डॉक्टर साहब, लेकिन आप सिर्फ इतना बताइए, किसने किया होगा ये, कौन कर सकता है, बताइए। मुझे नहीं लगता कि रंजीत जैसे भले आदमी के साथ ऐसा कोई कर सकता है। पर सब जहां तक हमें मालूम है, डॉक्टर रंजीत वही है ना जिनके ऊपर ऑर्गन ट्रांसप्लांट के मामले में गड़बड़ी करने का केस चल रहा है? हाँ चल रहा है, लेकिन उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं। चलो थैंक यू डॉक्टर अभिजीत, बॉडी को फोरेंसिक लैब भेज दो, डॉक्टर सारंगी को पूरी बात डिटेल में बता देना। वेरी इंटरेस्टिंग। आई नो। बॉस। हाँ। बॉस, डॉक्टर कमलेश का शक एकदम सही था, रंजीत का खून ही हुआ है, उसकी आर्टरीज में ब्लॉकेज था नहीं, ब्लॉकेज करवाया गया। ब्लॉकेज करवाया गया मतलब? बहुत चौंकाने वाली बात है। क्या कुछ नई बात बताया आप? नई बात बताता हूँ, आइए। ये देखो बॉस, ये इंसान का दिल है और ये है वो ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, जिनकी वजह से दिल में खून आता जाता है। अब ये आर्टरीज दो तरीके से ब्लॉक हो सकती है बॉस, या तो खून में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा हो जाए और आर्टरीज में प्लाक जमा हो जाए। ये देखो इसका क्रॉस सेक्शन, ये प्लाक इकट्ठा हो गया, प्लाक इकट्ठा हो गया है और आर्टरीज ब्लॉक हो गई। दूसरी वजह, किसी भी कारण से खून का थक्का जम जाए और आर्टरीज को ब्लॉक कर दे। अब इसकी सर्जरी में ये जो दो ब्लॉकेजेस थे, ये तो सर्जरी के दौरान क्लियर हुए थे, ठीक है, लेकिन फिर भी इसकी मौत हुई हार्ट अटैक की वजह से ही हुई, और वो है ये तीसरा आर्टरी का ब्लॉक जिसकी वजह से हार्ट अटैक हुआ, और इस ब्लॉक की कोई और ही वजह है। ब्लॉक की वजह कुछ और है मतलब? इसकी वजह है पॉलीएक्रिलेट पॉलीमर। पॉलीएक्रिलेट पॉलीमर, ये कोई खतरनाक केमिकल है क्या? नहीं नहीं फ्रेडी सर, ये केमिकल तो ऑलमोस्ट हर घर में मौजूद होता है, मैं दिखाती हूँ आपको। ये डायपर देख रहे हैं, ये केमिकल हर डायपर और सैनिटरी नैपकिन के अंदर होता है, और इसका काम है किसी भी लिक्विड या तरल पदार्थ को जेल में बदलना। ये है पॉलीएक्रिलेट पॉलीमर के क्रिस्टल्स। अब मैं इसको के ऊपर पानी डालती हूँ। अरे ये तो जेल बन गया। तारिका जी, ये कोई जादू है क्या? जादू नहीं प्रेडी, साइंस। बॉस, इस केमिकल को
वाटरलॉक भी कहते हैं। ये अपने से कई सौ गुना ज्यादा पानी को या किसी भी लिक्विड को अपने अंदर सोख लेता है। अच्छा, तो इसीलिए ये डायपर्स और सैनिटरी नैपकिन्स में इस्तेमाल होता है। और सर, रंजीत के आर्टरी के ऑटोप्सी में यही केमिकल मिला है। बॉस, ये केमिकल अपने आप तो उसकी आर्टरी में पहुंचेगा नहीं। हाँ, सर्जरी के वक्त ही गया होगा। ये केमिकल पॉलीएक्रिलेट पॉलीमर, जिसकी वजह से उसका खून जेल में बदल गया और उसने आर्टरी को ब्लॉक कर दिया और उसकी मौत हो गई। मगर नहीं, ऐसे नहीं हो सकता है सारुंखे। सर्जरी के वक्त ये पॉलीएक्रिलेट पॉलीमर उसके शरीर में डाला नहीं गया। अगर वैसे होता तो उसी वक्त, सर्जरी के वक्त उसका खून जेल में बदल जाता, ब्लॉकेज हो जाता और उसकी मौत हो जाती तुरंत। सर्जरी 2 घंटे तक चली और तो और सर्जरी कामयाब भी रही। 2 ब्लॉकेजेस थे वो भी साफ हो गए, लेकिन ये 3रा ब्लॉकेज बाद में आ गया। इसका मतलब है पॉलीएक्रिलेट पॉलीमर उसे बाद में दिया गया, सर्जरी के बाद में। और ये तो डॉक्टर कमलेश के टीम में से ही कोई दे सकता है। सर, एक आईवी ट्यूब, आईवी बैग और एक सेंट्रल लाइन में से मुझे पॉलीएक्रिलेट पॉलीमर के ट्रेसेस मिले हैं। क्या? क्यों डॉक्टर साहब, किसने डॉक्टर रंजीत को आईवी ट्यूब और आईवी बैग लगाई थी? डॉक्टर नीतू ने। जी सर, मैंने ही उनको सेंट्रल आईवी लाइन लगाई थी, पर मुझे नहीं पता कि उसमें वो केमिकल कैसे आया। आपको नहीं पता तो किसको पता है? उस ट्यूब में हमें केमिकल के ट्रेसेस मिले हैं, ट्यूब आपने लगाई थी। देखो डॉक्टर नीतू, क्यों किया तुमने ये? क्यों किया? सर आप प्लीज मेरा विश्वास कीजिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। और मैं ऐसा क्यों करूंगी सर? सर मैं एक गोल्ड मेडलिस्ट स्टूडेंट हूँ, डॉक्टर बनना मेरा सपना था और ये मेरी पहली जॉब है। रंजीत सर को मार के मुझे क्या मिलेगा सर? एसीपी सर, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि प्लीज आप हमें से किसी पे शक मत कीजिए। हमें से ऐसा कोई नहीं कर सकता। आप खुद ही सोचिए, अगर हमें से किसी ने भी ऐसा किया होता तो हम खुद आपको यहाँ क्यों बुलाते? बस वो केमिकल आईवी ट्यूब और आईवी बैग में से मिला है और वो डॉक्टर नीतू ने लगाया था। अगर डॉक्टर नीतू ने नहीं लगाया तो फिर और किसने लगाया है? कोई जवाब? सुनके क्या यार सारुंखे, अभी तक तो तू ये कह रहा था कि पॉलीएक्रिलेट पॉलीमर से कोई भी लिक्विड कुछ ही सेकंडों में जेल में कन्वर्ट होता है। अब तू कह रहा है कि डॉक्टर रंजीत की सर्जरी से पहले उसे ये पॉलीमर दिया गया था। कैसे, ये कैसे हो सकता है? हा? बॉस, जब मैंने रंजीत की ऑटोप्सी को और बारीकी से चेक किया तो मुझे पॉलीएक्रिलेट पॉलीमर के अलावा एक और केमिकल भी मिला। और एक केमिकल मिला, कौन सा? जेलेटिन। जेलेटिन तो घुल गया है लेकिन उसके ट्रेसेस अभी भी बाकी हैं बॉस। यार तू कहना क्या चाहता है? मुझे आश्चर्य इस बात का है कि जेलेटिन आखिर उसके खून में गया तो गया कैसे? जेलेटिन, ये कैप्सूल का खोल जेलेटिन का बना होता है जिसमें दवाई भरी जाती है और ये कैप्सूल शरीर में तब तक नहीं घुलता है जब तक वो अपनी जरूरी जगह पर नहीं पहुंच जाए, क्योंकि इस जेलेटिन को घुलने में थोड़ा वक्त लगता है। फिर ये जेलेटिन का कैप्सूल ये हमने पानी में डाला, अब इसे घुलने में थोड़ा वक्त लगेगा। तो मतलब सारुंखे, तेरे कहने का मतलब है कि जिसने भी ये किया है उसने पॉलीएक्रिलेट पॉलीमर रंजीत के शरीर में इस कैप्सूल के जरिए डाल दिया है? नहीं बॉस, कैप्सूल के जरिए नहीं, बल्कि उसने ये पॉलीएक्रिलेट पॉलीमर के छोटे छोटे क्रिस्टल्स को जेलेटिन में कोट कर दिया। वो नहीं चाहता था कि ये केमिकल तब तक डिसॉल्व हो जब तक वो दिल में नहीं पहुंच जाए। उसे सब कुछ पता था, जेलेटिन के घुलने का वक्त, केमिकल के दिल तक पहुंचने का वक्त, सब कुछ जानता था वो। इसीलिए उसने बहुत होशियारी के साथ ये प्लान बनाया और कामयाब भी हो गया।
इसीलिए आपको लग रहा है कि ये काम ऑपरेशन थिएटर में नहीं हुआ है? हाँ सर, तो हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से ये केमिकल सुबह 4 से 5 बजे के बीच रंजीत के आईवी ट्यूब या सेंट्रल लाइन में डाला गया था, जबकि ऑपरेशन हुआ 7 बजे। फिर पता लगाते हैं सुबह 4 और 5 बजे के बीच कौन गया था डॉक्टर रंजीत के रूम में। सर सर, उस वक्त मैं घर पे था। और आपकी टीम? सर सुबह 6 बजे से पहले हमें से कोई हॉस्पिटल नहीं आया, और सुबह 6:30 बजे मेरी टीम सर्जरी के लिए रंजीत के वार्ड में गई। वैसे रंजीत ऑर्गन ट्रांसप्लांट के रैकेट में फंसा था सर, तो जाहिर सी बात है कि उसके कुछ दुश्मन भी होंगे। तो ये सारा मामला इलीगल ऑर्गन ट्रांसप्लांट का ही है? सर मुझे इसके बारे में तो ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन लोगों ने कंप्लेन की है कि रंजीत ऑर्गन ट्रांसप्लांट की लिस्ट में धांधली किया करता था। सर कैसी लिस्ट? जब भी किसी मरीज को अपने शरीर का अंग बदलना होता, उसे जरूरत होती एक ऐसे डोनर की जिससे वो अंग लिया जा सके। कई बार ऐसे मरीज महीनों, यहाँ तक कि सालों साल भी डोनर का इंतजार करते हैं। ऐसे मरीजों की एक लिस्ट होती है, और जैसे ही डोनर मिल जाता है, उस लिस्ट के हिसाब से पहले और बाद में उन्हें वो अंग दे दिया जाता है। लेकिन लोगों की ये कंप्लेन रही है कि डॉक्टर रंजीत जरूरतमंद मरीजों को वो अंग न देकर अमीर और पैसे वाले मरीजों को भारी कीमत पर वो अंग बेच दिया करते थे। लेकिन इससे पहले कि इस केस का कोई भी निष्कर्ष निकल था, किसी ने डॉक्टर रंजीत को ही मार दिया। हॉस्पिटल में कल सुबह 4 और 5 बजे के बीच जितने भी लोग मौजूद थे, उन सब से पूछताछ करते हैं। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।